वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी बावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। आजकल जलगांव का आरटीओ ऑफिस लगातार खबरों में छाए रहने के लिए आगे आ रहा है। अभी हाल ही में वहां मौजूद एक एजेंट की गाड़ी को सीज कर लिया गया था, जो गैर कानूनी तरीके से आरटीओ दफ्तर के प्रांगण में कुछ व्यवसाय कर रहा था। अभी सोमवार को फिर एक व्यक्ति ने आरटीओ कार्यालय में हंगामा कर दिया। लोक महसूल भरता अरे जैसे काम ने पब्लिक काम है पब्लिक पब्लिक डिस्टेंस ने दरअसल कोरोना के पार्श्वभूमि को लेकर आरटीओ कार्यालय के गेट पर ही सिर्फ उन्हीं को अंदर भेजा जा रहा है जिनका आरटीओ दफ्तर में कोई काम है। ऐसे में वहां किसी और व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो शायद इस बात को समझना नहीं चाहते या फिर आरटीओ ऑफिस में हंगामा ही खड़ा करना चाहते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति सोमवार को भी वहां पर पहुंचा। बताया जाता है कि वह शराब के नशे में था और लगातार आरटीओ दफ्तर के अधिकारियों को गाली गलौज कर रहा था। अधिकारियों ने उस व्यक्ति को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस की बात आई तो वह व्यक्ति वहां से 9-2-11 हो गया। लेकिन आरटीओ दफ्तर की ओर से उस व्यक्ति के खिलाफ रामानंद पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में रुकावट का जुर्म दर्ज किया गया है। ज्या व्यक्तीचं काम आहे किंवा ज्या उमेदवाराचं काम आहे त्यालाच आम्ही पेपर चेक करून आतमध्ये सोडत आहे। पण आम्ही त्याला खूप मयूर जोशी नामक व्यक्तीला आम्ही बऱ्याचदा समजण्याचा प्रयत्न केला की बाबा तू बाहेर थांब, ज्या व्यक्तींचं काम आहे त्यांनाच आतमध्ये येऊ दे। परंतु तो अरवाच्या भाषेत धमकी विषयी आमच्याशी बोलू लागला। आम्ही तरी संयमाने त्याला खूप समजवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो काही ऐकला नाही। त्याने जमा केला आणि 188 कलमाचं त्याने उल्लंघन केलं आणि तो जेव्हा त्याला पोलिसाचा दम दिला त्यावेळेस त्याने पळ काढला गेटवरून। अब इससे एक बात समझ में नहीं आ रही थी, लोगों को अभी भी हंगामा करने के लिए आरटीओ दफ्तर ही क्यों मिल रहा है। सरकारी दफ्तर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आरटीओ दफ्तर में ऐसा क्या है जो लगातार चर्चा में रह रहा है। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।